के तमाम काले कारनामों को उजागर करने का काम सचतक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप कर रहा था, और उनको डर था कि अगर अब ये कुछ दिन बाहर रह जाएगा तो शायद हमारी सरकार अभी गिर जाएगी। मनीष कश्यप के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि उनके समर्थकों के लिए काफी खुशी भरी खबर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मनीष कश्यप को लेकर पूरे देश भर से इतनी ज्यादा समर्थन को देखते हुए जेल में रहते हुए भी पत्रकार मनीष कश्यप लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बने रहते हैं और हर लोग उनकी ही चर्चा करते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने भी अंतिम फैसला लेते हुए कहा है कि पत्रकार मनीष कश्यप के नाम से NSA एक्ट हटा दिया जाएगा। पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर इतनी ज्यादा समर्थन को देखते हुए केवल तेजस्वी यादव के चाहने से मनीष कश्यप अब इतने दिनों तक जेल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके देश के हर कोने कोने से समर्थक लोग मौजूद है और उनका समर्थन कर रहे हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि पत्रकार मनीष कश्यप जेल से जल्दी छूटे। बीजेपी पार्टी के कदावर नेता रह चुके मनोज तिवारी का भी कहना है कि पत्रकार मनीष कश्यप को जो भी यातनाएं बिहार सरकार ने दिया है उसका फैसला बिहार की जनता को ही तय करना है। पत्रकार मनीष कश्यप को हम लोग किसी भी तरीके से छुड़ाएंगे, लेकिन बिहार की जो वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ किया है आगे से ऐसा न करे, इसके लिए बिहार की समस्त जनता को मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार से ऐसा कोई मंत्री और विधायक अपने क्षेत्र में न चुने जो कि आपकी आवाज को ही उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। और पत्रकार मनीष कश्यप के नाम से जिस दिन से NSA एक्ट हट जाएगा उसी दिन बिहार का लाल हम लोगों का सिर जेल से छूट जाएगा और हम लोगों के बीच आ जाएगा, क्योंकि पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर हर रोज उनके लिए रैलियां निकाली जाती है, हर लोग उनके लिए शांति पूर्वक रोड पर सड़क जाम किए जाते हैं ताकि पत्रकार मनीष कश्यप के लिए बंद हुई आंखें खुल जाए और पत्रकार मनीष कश्यप को जल्दी से जल्दी जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन अब सभी बिहार वासियों और उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, पत्रकार मनीष कश्यप बहुत जल्दी हम लोग के बीच आने वाले हैं। दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप की इस बड़ी खबर को सुनकर अगर आपको खुशी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।